गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में जैसे मैंने हिंदी के पाठ संख्या चार को आपको पढ़ाया था, पाठ संख्या चार में आपको जो पढ़ना था उसका नाम था हॉकी का जादूगर। मैंने उस चैप्टर को पूरा पढ़ा के आपको बता दिया कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना था, और इस पाठ के जो लेखक थे मेजर ध्यानचंद, उन्होंने किस तरीके से जो है अपने एक यादगार वाक्य को जो है इस पाठ के जरिए लिखा है, कलमबंद किया है। आज इसी पाठ से रिलेटेड मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो बताऊंगी और समझाऊंगी। आपको एक काम करना है कि अपने नोटबुक पर ये क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, और जहां पर दिक्कत आए वो आप इसको पढ़ के भी समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे कि सबसे पहले जो इसमें दिया गया वो शब्दार्थ है। इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं, कठिन वर्ड्स आए हैं, जिनके अर्थों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर में है टीम, टीम के माने क्या होते हैं, दल। नेक्स्ट है छावनी, छावनी के माने होते हैं सैनिक का विश्राम स्थल। उसके बाद आया निखार, निखार के माने होते हैं चमक। और उसके बाद आया नौसिखिया, नौसिखिया कहते हैं नया सीखने वाले को, जो कोई नया नया जो सीखता है उसे हम क्या कहते हैं, नौसिखिया बोलते हैं। अब आप आगे बढ़ें, इसमें देखेंगे कि कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न संख्या एक, जिसमें लिखा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं, इसका उत्तर इसी पाठ में है। और मैंने आपको बताया भी था, बताया था ना कि मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी खेल से संबंध रखते थे, ऐसे ही आपको उत्तर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया। ये भी हमने आपको पढ़ के बताया था कि उन्होंने जो है उस हॉकी स्टिक से मार का बदला किस प्रकार लिया। मार का बदला मार से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक गोल करते रहे और वो मैच वो जीत गए। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है। वो भी हमने बताया है कि जब इंसान खेल के प्रति मेहनत, लगन और खेल की भावना से खेल को खेलता है तो वही जो है वो उसका हासिल होता है, वही उसका रिजल्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा। उन्होंने एक जगह कहा था ना, जब स्टिक मारी थी एक खिलाड़ी ने दूसरी टीम की, तो उन्होंने उसका जवाब उसकी पीठ पे हाथ थपथपाई और थपथपा के क्या कहा कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। उस चीज़ को आपको यहाँ पर पूरा डिफिनेशन के साथ लिखना है। और क्वेश्चन नंबर पाँच है कि ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। वो बर्लिंग वाला वाक्या उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो मैच इन्होंने जीता और उसके बाद से जो है वो हॉकी के जादूगर कहलाने लगे। और आगे आप आएँ, इसमें व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, इसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांध कर फिर मैदान में आ पहुँचा, आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ये कोटेशन एक तरह से, अब इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब देखें कि ऊपर के वाक्य में, यानी जो अभी मैंने पढ़ा, इन वाक्य में मैंने उस, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह, ये जो रेड पेन से है ये इतने सारे वर्ड्स हैं, आदि शब्द संज्ञा की जगह आए हैं, ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के छह भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के छह भेद हैं। ये उनको पूरे डिफिनेशन के साथ लिखा गया है कि मसलन नंबर एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो शब्द बोलने वाले के लिए
सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं, तुम, वह, ये सारे जो हुए वो पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। उसके बाद है निश्चयवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए किए जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे उस, इसका, इतना। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई, कुछ। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, वगैरह। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध जोड़ा जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, से, जिसने, जैसा, तैसा आदि। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे अपना, स्वयं, आप ही आदि। आपको ये करना है कि ये सर्वनाम के 6 भेद आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसे याद करना है, ताकि आपको पता चले कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़े, अब देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्टक में लिखिए, जैसे नंबर 1 क में है कौन खा रहा है, ये कौन जो है ये डार्क ब्लैक कलर से लिखा गया है, आपको ये सर्वनाम है इसको लिखना है कि ये कौन से सर्वनाम का कौन सा ये भेद है, वहां पर आपको लिखते जाना। उसी तरीके से मैं अपने काम पर लौट आया, यही मेरा घर है, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं स्वयं चला जाऊंगा, कुछ तो किया करो, ये सारे में आपको सर्वनाम के वो कौन से भेद हैं उनके नाम यहाँ पर कोष्टक में लिखने जाने हैं। अब आगे आप आए इसमें, आगे देखिए कि इसमें जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। शब्द में है नंबर 1 धक्का मुक्की, नंबर 2 नोक झोंक, बार बार, जैसे जैसे, वैसे वैसे, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। उसके बाद फिर आप आगे आइए, अगला क्वेश्चन है इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए कि क्रिया इसमें कौन सा है, इस शब्द में, जैसे खेल में तो ये सब चलता ही है, ये चलता जो है ये जो है क्रिया है। उसी तरीके से आगे जितना दिया गया उसमें से आपको क्रिया शब्द को छांट के उसको रेखांकित करना है। नीचे आए, नंबर 4 है नीचे लिखे यह शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाएं, जैसा कि लिखा हुआ नौसिखिया उस समय मैं एक था खिलाड़ी, ये जो है आपको जो है ये टूटे हुए लफ्ज़ हैं, यानी अलग अलग इनको मिला के आपको शब्द वाक्य को पूरा करना है, जैसे है ना नौसिखिया उस समय मैं एक था खिलाड़ी। समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसको क्या करना है, सही करके कैसे लिखोगे, उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से आगे खा है आता खेल में मेरे गया निखार, इसको सही करना है। फिर नंबर 3 नंबर 4 इन चारों को बनाना है और बना के जो है आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, अगले क्लास में मैं अगली पार्ट लेकर आऊँगी और आपको समझाऊँगी, तब तक के लिए बाय।